देखिए क्लास 10 के बारे में और कंपटीशन के बारे में भी पूछा जाता है। देखिए एक प्रश्न दिया जा रहा है, एक कोठरी का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का योगफल 26 मीटर हो, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालें। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है यदि ऊंचाई 5 मीटर हो। देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई का योगफल 26 है, तो लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो लंबाई और चौड़ाई का योगफल 26 दिया हुआ है, तो मान लेंगे, तो मान लीजिए लंबाई या चौड़ाई का, तो माना कि लंबाई का मान लीजिए x, तो ओके x मानेंगे, दोनों का योगफल कितना है 26 है, तो ए ओके x मानेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा 26 माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों का जब 26 है योगफल, तो ओके मानेंगे x, तो एगो 26 माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हल कर रहा हूँ। देखिए माना कि लंबाई बराबर x, लंबाई जब x मान लेंगे तो दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है 26, तो वो हो जाएगा 26 में से कम हो जाएगा। तो लंबाई को x माने तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 26 माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों का मिला के जब 26 आए, तो ये ओके एक्स माने तो दूसरा 26 से माइनस एक्स होगा। अब देखिए तो लंबाई चौड़ाई एक्स का मान निकालेंगे, तो लंबाई चौड़ाई की निकल जाएगा। अब देखिए माने उसका निकालना है, अब कहाँ से निकलेगा, तो फर्स्ट से निकलेगा। देखिए एक कोठरी का क्षेत्रफल से निकलेगा, क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है, तो कोठरी का 160, तो कोठरी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लंबाई जब चौड़ाई है तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कोठरी का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल मान लीजिए, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई x माने तो x गुना यहाँ 26 माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों के गुना कर दीजिए, क्षेत्रफल दिया हुआ है आयत, मान लीजिए एक कोठरी का क्षेत्रफल तो 160 वर्ग मीटर है, तो ये आयत का क्षेत्रफल की जगह पर यहाँ 160 यहाँ बैठा देंगे, तो 160 यहाँ बैठा दिए, तो 160 x गुना अभी गुना हो जाएगा 160 यहाँ छोड़ दिए, एक्स गुना 26 तो 26 एक्स हो जाएगा, एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए अब 160 यहाँ पर लिख ले जाएंगे, अभी देखिए माइनस एक्स स्क्वायर इधर कर देंगे, तो ये माइनस प्लस 26 एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर 160 है, तो यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस जब कॉमन कर लिए तो एक्स स्क्वायर आई माइनस कॉमन, तो माइनस 26 ऐसे हो जाएगा। अभी माइनस साइड चलाएगा तो माइनस माइनस 160 यहाँ पर जब काट देंगे तो यहाँ माइनस 160 हो जाएगा। अब देखिए एक साइड ले आवेंगे, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स बराबर 160 माइनस में इतना लिख दिए। अब देखिए अब एक्स बराबर तो एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स माइनस में, तो प्लस में 160 हो जाएगा इस साइड, अब इक्वल टू जीरो। अब पहला गुना तीसरा जोड़ घटा के दूसरा पर कर दीजिए, तो 160 के लघुत्तम यहाँ साइड में निकाल रहे हैं, 160 के गुणनखंड विधि से 2 से 80 दूनी, फिर 2 से 40 दूनी 80, 2 से
बी दूनी 40, यहाँ 2 से, द दूनी 20, यहाँ 2 से 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 10, 16 10 26। तो उसी तरह पहला गुना तीसरा जोड़ घंटा के दूसरा, तो दोनों में काट देंगे तो x स्क्वायर माइनस 16x हो जाएगा और माइनस 10x, 10 और 16 26, माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस 26। और इस तरह से इक्वल टू जी, यहाँ प्लस देखिए प्लस 160 है इक्वल टू 0। अब देखिए पहला गुना तीसरा जोड़ घटा के दूसरा, तो ऐसा करते हैं कि दूसरा के जोड़ घटा के इतना आना चाहिए था, जोड़ के 26 आना चाहिए, 16 में 16 10 26, माइनस 26 से माइनस गुना माइनस तो प्लस 160 हो जाएगा, गुना करेंगे तो पहला गुना तीसरा जोड़ घटा के दूसरा। अब यहाँ एक कॉमन कर लेंगे दोनों में जो मिलेगा, तो एक से यहाँ पर है तो एक्स कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से एक्स और माइनस यहाँ 16 हो जाएगा, फिर यहाँ से दोनों में मिलेगा तो माइनस 10 यहाँ कॉमन कर लीजिए, तो एक्स माइनस 16 हो जाएगा यहाँ, तो दो को क्या इक्वल टू 0, तो एक हो जाएगा एक्स माइनस 16 और एक हो जाएगा एक्स माइनस 10, तो एक्स का मान दोनों का अलग अलग करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा कितना 16 और 10, बराबर 16 10 मान हो गया। अब देखिए तो दोनों के मिल जोड़ेंगे तो कितना क्वेश्चनों में दिया हुआ है, योगफल 26 है, दोनों के 10 और 16 26, तो दोनों निकल गया भुजा, दोनों का लंबाई चौड़ाई एगो के 10 एगो के 16। अब यहाँ देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इधर अब चारों दीवारों का निकालना है, तो लास्ट में देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई अगुना ऊंचाई। तो देखिए बराबर 2 × लंबाई कितना निकला 16 है, ओके 10 तई 10 अगुना ऊंचाई दिया हुआ है, कितना प्रश्न में दिया हुआ है देखिए प्रश्न में, यहाँ 5 मीटर है ऊंचाई 5 मीटर हो, तो योगफल तो देखिए दोनों के 2 × 10 26 गुना 26 यहाँ अगुना 5, 2 × 26 56 × 52 तो यहाँ 26 × 52 देखिए 56 × 52 अगुना 5, 5 × 2 के 10 के 0, 5×25 26, 5 × 10 के 0 बाकी हाथ में 1 और 5×25 है 1 26, 260 इतना वर्ग मीटर, इतना आ गया क्षेत्रफल 260 वर्ग मीटर। आंसर हो गया, देखिए एक बार फिर दोहरा रहे हैं, एक कोठरी का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का योगफल दिया हुआ है 26 मीटर हो, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, निकालिए यदि ऊंचाई 5 मीटर हो, तो माना कि लंबाई x तो दूसरा चौड़ाई हो जाएगा 26 माइनस 1, तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल पर लगा देंगे तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो वो x × 26 माइनस 1, तो पहला गुना तीसरा जोड़ घटा के देखिए द्विघात में आ गया, तो हल करते यहाँ गए तो यहाँ आ गया x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 160, तो माइनस इस साइड दिया है प्लस, तो इतना आ गया x बराबर 16 10 भी निकला है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर बैठा देंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊँचाई, तो यहाँ चारों दीवारों का 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई निकला 16 10 सबके यहाँ गुना कर दिए तो गुना 52 × 5 260 वर्ग मीटर आंसर हो गया। यहाँ पर खंडन किए हैं पहला गुना तीसरा जोड़ घटा के दूसरा, यहाँ देखिए गुणनखंड विधि से निकाले हैं,
तो ऐसा तोड़ेंगे कि दो भाग में 26 को, तब दो दूनी चार, पहले लघुत्तम निकाल देते हैं। लघुत्तम निकालने के बाद लघुत्तम 160 के, तो तीसरा रहेगा यहाँ पर द्विघात में, तो तीसरा को पहले खंडन करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस 26x प्लस 160 इक्वल टू जीरो, तो पहला गुना तीसरा, तो 160 के गुणनखंड किए, गुणनखंड करके दो भाग में इसका तोड़ेंगे। ऐसा तोड़ेंगे कि 26 आना चाहिए था, 16 10 26, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो इतना हो गया, ये इतना आ गया। यही दोनों में से कॉमन करते हैं, देखिए ध्यान से, तो एक्स 16 माइनस 10x प्लस 160 छोड़ दिए, इसका खाली तोड़ते हैं दो भाग, तो 26 के दो भाग में तोड़ देते हैं, तो 16 10 26 हो गया। आई माइनस माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस 16 माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 26। अब उसी तरह एक्स कॉमन दोनों में करेंगे, दोनों में रहेगा जो, तो एक्स कॉमन कर लिए तो एक्स माइनस 16, फिर इसमें से ऐसा कॉमन करेंगे दोनों में मिलेगा, तो माइनस 10 कॉमन कर लिए, 10 से भागा करेंगे यहाँ एक्स, आई 10 से भागा करेंगे तो यहाँ 16 बचेगा, तो माइनस में आई दो का के लिखाता है, तो एक्स माइनस 16 फिर एक्स माइनस 10 यहाँ लिखा था इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर एक्स बराबर ऊपर जाएगा, दोनों के प्लस में हो जाएगा 10 16, ठीक है। इस तरह से मान निकालिए। अब देखिए यहाँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिख दिए हैं, इधर सब आया आंसर 260 वर्ग मीटर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 लंबाई की जगह 16, चौड़ाई की जगह 10 गुना 5, 2 गुना इतना 26 × 52 गुना 5 260 वर्ग मीटर आंसर हो गया। देखिए एक प्रश्न दिया जा रहा है, जो किसी संख्या के 3/5 का एक तिहाई 120 है, तो संख्या क्या है? तो किसी संख्या के, तो यहाँ हल करेंगे तो मान लीजिए, माना कि संख्या बराबर x, तो x हो जाएगा संख्या। अब देखिए किसी संख्या के मैंने गुना में, तो 3/5, तो इसमें गुना कर देंगे 3/5, संख्या का 3/5 का एक तिहाई, तो फिर एक तिहाई, तो 1/3 गुना कर देंगे, कितना 120 है, तो बराबर में इक्वल टू 120 कर दीजिए सबके, तो ऊपर में 3x आई 5 × 15 हो जाएगा, बराबर 120 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 3x यहाँ पर इसका गुना कर देंगे, यहाँ x 3x मान लीजिए, तो यहाँ 3x बराबर 120 और गुना 15 यहाँ हो जाएगा, 3x बराबर, तो x बराबर 120 गुना 15 और बट्टा 3 यहाँ चला बेगा, 3 × 5 15 12 × 5 60 एक सौ नब्बे 600 आंसर हो गया, 600 आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार दोहरा रहे हैं, किसी संख्या के 3/5 का एक तिहाई 120 है, तो संख्या क्या है? संख्या, तो माना कि संख्या एक्स हो गया, तो एक्स 3/5 किसी संख्या के 3/5 का, मैंने कहा का मतलब गुना, तो 3/5 एक तिहाई, तो एक तिहाई 1/3 120 है, तो इक्वल टू में 120 कर दिए, तो सबका 3x/5 × 15 बराबर 120, तो 3x बराबर 3 गुना कर दिए 120, 120 × 15 तो x बराबर 120 × 15 / 3 से काट दिए, तो 12 × 5 60 600 आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है, नोट करिए।